तो हेलो व्हाट। अबे यार आवाज बंद कर यार, सच में बोल रहा आवाज बंद कर। इसकी मैं आवाज बंद कर रहा हूँ यार, मेरा दिमाग खराब करी। हाँ इस बार ठीक से। तो हेलो व्हाट, इस आपसे कैसा करते हैं और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले अनटाइटल्ड गूस गेम। तो अब इसका आवाज बढ़ा देता हूँ यार, बिना आवाज के गेम भी अच्छा नहीं लगता। हाँ तो ये अनटाइटल्ड गूस गेम इतना भी फेमस नहीं है पर हम खेलने वाले हैं। अच्छा तीन फाइलें क्या, इसमें से कोई भी ले लो। मैंने इसके कंट्रोल सब चेकआउट कर लिए है। ओके वाह, ये हॉर्न कर रहा है यार। चलो बाहर आ गया। अच्छा देखो इससे पंख खुलता है, ये इससे चलता है, इससे दौड़ता है, इससे नीचे झुकता है। और ये क्या, इधर इधर से जाना है क्या हमें? किधर? अच्छा इधर से जाना है क्या? नहीं इधर से जाना नहीं है। इधर तो घंटी है क्या, पता किस लिए। चलो ठीक है, चलो नीचे झुक के आगे चलो। अच्छा मुझे सामान पकड़ने का भी कैसा मुझे पता है। ये देखो गीला छू रहा छी, ये क्या है, घंटी। ओह वैसे मुझे घंटी से एक याद आया, अगर आपने मुझे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और वो टंग टंग है ना उसको भी बजा दो। तो यहाँ से जाना है क्या? मुझे लगता नहीं यहाँ से जाना है। यहाँ से जाना है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये खोल सकते क्या? अच्छा खोल सकते, ओके। नीचे का भी खोलना है मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरे ऊपर मत गिरना। मैं जैसे सोचा था ये डोर टूटा हुआ है। चलो अभी ऐसे आगे चलते हैं। अभी तक गेम का इंट्रो नहीं हुआ, वैसे गेम स्टार्ट भी हुई है क्या? नहीं। अच्छा इंट्रो हो गया, हो गया। चलो तो इसमें जो टास्क होते हैं मुझे जितना पता है, तो आज का टास्क क्या है, गेट इन द गार्डन। तो अभी एक एक करके टास्क पूरा करते हैं। गेट इन द गार्डन। गार्डन कहाँ पे? यहाँ पे जी, यही गार्डन है कि नहीं? पर वो तो आ जाता ना फिर। अच्छा और कुछ, हैव अ पिकनिक। अच्छा ये क्या है, रेक इन द लेक, मेक द ग्राउंड कीपर, ग्राउंड कीपर वेयर हिज सन हैट, स्टील द ग्राउंड कीपर्स कीज, गेट द ग्राउंड कीपर्स वेट। अच्छा ये सब ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, ब्लैंकेट। अच्छा सैंडविच, एप्पल, पम्पकिन, कैरेट, जैम, थर्मोस, रेडियो, बास्केट। ओके ओके तो यहाँ पे कुछ, ओ रेडियो, ये रेडियो आई थिंक सो, जहाँ तक कि मुझे लगता है। अच्छा ये इसको हटाते फिर रेडियो नीचे गिर जाएगा। इसको हटाओ रेडियो, इसको भी हटाना पड़ेगा। रेडियो कैसे नहीं ले सकता क्या? तो इधर ई उसको गीला करके, अच्छा ये नल है आई थिंक सो, तो इसको गीला करते हैं। एक दो तीन, ये ऐसे उसको गीला कर दिया हम लोगों ने। अच्छा मैंने सोचा था ये नल बंद कर देते हैं। मैं इसको रेडियो को कैसे लूँ अब? झुको झुको, अच्छा ले लिया रेडियो को। अरे आवाज़ बता रहे नहीं, अरे मत आ, मैंने कुछ नहीं किया इसको। अच्छा इसको गीला कर रहे तो शायद से ये ख़राब हो जाएगा। हाँ हो गया हो गया, दिमाग तेज़ है मेरा। सामान ले लीजिए, इधर रख देता हूँ। चलो गार्डन के अंदर कैसे जाऊँ मैं? शायद ये गार्डन है आई थिंक सो। ओ अच्छा घुस गया हम गार्डन के अंदर। ये तो कैरेट है, ये तक मुझे पता है। कैरेट भी शायद, हमें कैरेट भी लग रही है। तो मैं चुपके से जाता हूँ यहाँ से, अंकल को शक नहीं होना चाहिए। वैसे अंकल को शक भी नहीं रहा, उनके आँखें तो है नहीं, उनको दिखाई भी नहीं। अरे यार कहाँ पर जा रहा हूँ मैं, उनके आँखें ही नहीं, उनको दिखाई नहीं। नहीं अंकल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता यार घूस की। अच्छा मुझे इसे घूस बुलाने में अच्छा नहीं लग रहा। जिसको कुछ नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं बदक पांडे। हाँ बदक पांडे अच्छा नाम है वैसे। चलो फटाफट चलते हैं। और क्या लगने वाला है हमें? जैम, कैरेट तो ठीक है, जैम। जैम कहाँ पे मिलेगा? अच्छा कैरेट उठा लेता हूँ मैं। नीचे देखो, उठा लो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो भागो कैरेट लेके उसी जगह पे। चलो मैं इस जगह पे सामान ला के रख रहा हूँ इसलिए कि जब मुझे वो पिकनिक की मैट मिलेगी। देखो इस पर यहाँ पे लिखा है वो पिकनिक की, जो इन दो मिनट शायद यही पिकनिक की मैट है। मैं यहाँ से अंकल का रेडियो छुपाने आया था, मुझे लगा यहाँ पे यही पिकनिक की मैट है आई थिंक सो। मैं अंकल का रेडियो छुपाने आया था यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। और क्या क्या चाहिए हमें? जैम चाहिए राइट, पम्पकिन भी चाहिए ना हमें। पम्पकिन मैंने देखा था कभी अभी जाते हुए।
ये रहा पम्पकिन। अंकल आप जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। चलो 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 फटाफट लेके चलो। बहुत भारी पम्पकिन है यार, बहुत मेहनत लगी उसको उठाने में। चलो अरे आराम से, भी ठोकना मत उसको यार। लेके पम्पकिन भी लेके आ गया। चलो अब आगे देखते हैं और क्या क्या लाना है हमें। जाम लाना है, थर्मोस। चलो आगे चल के देखते हैं आगे कुछ है क्या इधर कुछ। ओ उधर जाम, अच्छा ये जाम है। हाँ जाम है। ये थर्मोस है ना साइड का? हाँ ये बॉटल जो है थर्मोस ऐसा लग रहा है मुझे। चलो 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 चलो, जाम चाहिए। ये बदक कुछ खाने, बदक अब तक बदक पांडे कुछ खाने भी नहीं वाला ऐसा मुझे लग रहा है। चलो चलो आगे, जाम थर्मोस भी चाहिए हमें। हेलो अंकल कैसे आप? मैंने कुछ नहीं किया अंकल, सॉरी अंकल, गलती से उठा लिया अंकल। अच्छा एक और टास्क था ना, रेक इन द लेक। अच्छा मुझे समझा, इसको पानी के अंदर डालना है। हेलो अंकल कैसे आप? मैं जा रहा हूँ इधर से अंकल, कुछ नहीं करेगा मैं अंकल, अंकल कुछ नहीं करेगा ना। मैं बोला तो समझ में नहीं आता क्या? अभी अंकल ने मेरे को धक्का देता है, मेरे को तेरा फूल ही निकाल देगा मैं। अच्छा अंकल की सन हट यहाँ पे है, मुझे पता नहीं सन हट के साथ क्या करना है हमें। चलो ये उठा आराम से, भागो 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 भागो। दो मिनट, ये क्या पे क्या? ओ आई थिंक मुझे समझा क्या करना है हमें। वो फूल निकालना है, फिर अंकल उसको लगाएंगे जैसे अब झुक के लगा देते, उसको कैप निकालना है। फिर मैं शायद उसको कहीं पे छुपा सकता हूँ जैसे कि इन झाड़ियों में, फिर वो ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर उनको ये कैप पहननी पड़ेगी। दिमाग मेरा बहुत तेज़ भागता है, मैं समझा। पहले तो उनको मैं ये लेके भाग, ठीक है ये इधर छोड़ो, ऐसे भागो आगे, जैसे नीचे झुको, फ्लावर निकालो, इधर रख दो। पीछे देख अंकल, तेरा फ्लावर, तेरा फ्लावर। मैं जैसे रेडी रहता हूँ, चल मुझे झुक के हेड निकालनी पड़ेगी। हेलो अंकल, पाए लागो अंकल, थोड़ा सा और आगे। मैं झाड़ियों में छुपा सकता हूँ आई थिंक इसको। चल 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 अंदर, चल अंदर, चल अंदर। ओके ओके यहाँ पे रख देता हूँ, अब अंकल नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ जा रहा है सनहैट पहन ले, आई थिंक सो ये हो गया। चलो पूरा हो गया। अब भाई पहन ले अपनी सनहैट। यस थर्मोस लेके फटाफट भागते हैं, फटाफट भागते सर थर्मोस लेके। अंकल पीछे मत आना मेरे। चलो 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 चलो, ये मैन। अभी हमें उस रेक को अंदर डालना पड़ेगा उसके। चलो आराम से रेक को लेके चलते हैं। ओ भाई मैंने अंकल की रेक पानी में डाल दी ना भाई। चलो अभी मैं एक पिकनिक का सामान लेके जाता हूँ यहाँ से। चलो फटाफट, सैंडविचेस मुझे लग रहे थे पिकनिक के लिए। बहुत सारा सामान हमारे पास जमा हो चुका है पिकनिक के लिए। अभी और एक एप्पल उठा लेता हूँ। बास्केट वो पीछे है, मतलब हमारे पिकनिक का एक पूरा हो जाएगा। चलो चलो ये भी लेके फटाफट चलते आगे। दरअसल मेरी पिछली वीडियो थी ना वो बहुत लंबी थी यार, मैं भी क्या कर सकता हूँ, बहुत लंबी वीडियो थी वो। ये पिकनिक कोई तो भी अपना ये रख के भूल गया ऐसा लग रहा है मुझे। ये भी पूरा है वो पिकनिक, पूरा हो गया हमारा। अच्छा कुछ तो भी नया आई थिंक सो, क्या है वो? बहुत मतलब सब कंप्लीट कर दिया। स्टील द ग्राउंड कीपर्स की रह गया, मेक द ग्राउंड कीपर्स हैमर इज थम। वो कैसे करूँ मैं? ओके तो ग्राउंड कीपर्स की मैं देखी थी, उसके उसके कंधे पे लटकी हुई है, तो हमें एकदम आराम से लेके निकालनी पड़ेगी हमें उसकी। चलो 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 निकाल दिए। चलो भागो 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 भागो। ओके ये पूरा हो गया, मेरे को तेज़ जरूरत नहीं अब।
अब ये क्या करने वाला है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा आप क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, क्या लगाने वाला तू यहाँ पे? वो ऊपर हैमर है, नो बदक, बदक के ऊपर नाइन साफी। मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, बोल रहा है मेरे को, बदक के ऊपर कौन नाइन साफी करता है? ये उसको उंगली को लग गया, अरे उसके उंगली को लग गया। और ये बदक का जो बोर्ड है ना, ऐसे हटाने का, चुपचाप हटाने का बोर्ड का, बदक का बोर्ड यहाँ से। चलो तो यहाँ से आगे जाना पड़ेगा हमें अब। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या तो आपको वीडियो पसंद आई उसको लाइक करो, इस पर कमेंट करो, कमेंट में लिखो हैशटैग बदक पांडे इज द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत कड़क बंदा है यार। और भाई इस वीडियो को दूसरों को बांटो एंड शेयर करो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।